सो हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था जो कि क्लिंकर से रिलेटेड था। उसमें हम लोग ने क्लिंकर का बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा था और साथ में हमारे बॉयलर में क्लिंकर बनने का क्या क्या रीजन है, वेरियस टाइप्स ऑफ रीजन के बारे में हम लोग ने वहाँ पर डिस्कशन किया था। तो वो वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो होगा ये उसका पार्ट टू है। तो पार्ट वन अगर देख लेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो आज की वीडियो हम लोग क्लिंकर का ही पार्ट टू देखेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि यदि बॉयलर में क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे बॉयलर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ में हम लोग बात करेंगे कि क्लिंकर को बनने से हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या उन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे हमारे बॉयलर में क्लिंकर बनने की संभावना जो होगी वो मिनिमम होगी, कम से कम होगी। तो ये भी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय को वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो क्लिंकर, तो ये देखिए ये पार्ट टू है, इससे पहले पार्ट वन बन चुका है, उसमें जितने भी हम लोग टेक्निकल टर्म है उसको अच्छे से डिस्कशन किए हैं, इसलिए वो वीडियो आपको देखना काफ़ी जरूरी है। तब यहाँ पर जो भी हम लोग पॉइंट डिस्कशन करेंगे ना वो आपको और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे कि अगर हमारे बॉयलर में क्लिंकर का अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या दिक्कत आएगी, क्या इफेक्ट्स उसका पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी कारण से अगर क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाता है तो आप अपने बॉयलर का लोड ही इंक्रीज नहीं कर पाओगे, वहाँ पे फ्यूल का कम्बशन होगा ही नहीं, कोयले का कम्बशन होगा ही नहीं। और अगर कोयले का कम्बशन नहीं होगा इसका मतलब है कि वहाँ हीट जनरेट नहीं होगा, और अगर हीट जनरेट नहीं होगा तो आप स्टीम जनरेट नहीं कर पाओगे, और अगर स्टीम ही जनरेट नहीं होगा तो जिस काम के लिए आप अगर स्टीम दे रहे हो, मान लो अगर पावर के लिए दे रहे हो या किसी प्रोसेस के लिए दे रहे हो, तो वो सभी प्रोसेस जो होगा वो हैम्पर होगा, वो उसको स्टॉप करना पड़ जाएगा। डैट मीन्स आपका एक तरह से ह्यूज लॉसेस होगा। और क्लिंकर का अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपका बॉयलर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग नॉर्मल इमरजेंसीज केसेस में देखे थे, जैसे ड्रम लेवल हाई लो या अदर कोई इमरजेंसीज अगर देखे थे, अगर वो आता है तो तुरंत आप उसको मेंटेन करके आप अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे तुरंत नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता, इसके लिए फिर आपको अपने बॉयलर को मैन्युअली बंद करना होगा, फिर आपको उसकी सफाई करनी होगी, और सफाई करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसका मतलब है कि काफी टाइम तक आपका जो है वो लॉसेस चलेगा, ठीक है, काफी टाइम तक आपका ऑपरेशन जो है वो हैम्पर होगा। और अगर आप कहीं पर भी काम करते होंगे, चाहे वो छोटी फैक्ट्री हो या बड़ी प्लांट हो, वहां की मैनेजमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उसका इस तरह का नुकसान हो। इसलिए जो भी डेक्स इंजीनियर होते हैं वो काफी केयरफुली बॉयलर का ऑपरेशन करते हैं और कोशिश रहती है कि क्लिंकर कभी ना बने। ओके, तो यहां पर हम लोग जानेंगे उसी के बारे में कि वो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं या किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे क्लिंकर बनने का खतरा ना के बराबर होता है। तो आइए यहां पर हम लोग एक एक पॉइंट को यहां पे समझते हैं। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्लिंकर फॉर्मेशन, यानी क्लिंकर बनने से हमें कैसे हम लोग रोक सकते हैं, तो इसमें पहला जो पॉइंट है कि यूज गुड क्वालिटी ऑफ कोल। हमारा जो क्लिंकर बनता था वो किस कारण से बनता था, फ्यूल के कारण ही बन रहा था, तो सबसे पहले तो फ्यूल की क्वालिटी ही चेक कर लेते हैं। ओके, तो आपका जो फ्यूल होगा यानी कि जो कोयला होगा वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, और उसका जो लेब रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सप्ताह में आप चेक करवा सकते हो, 3 दिन में चेक करा सकते हो, तो इस तरह से एक रूटिंग जो है उसका चेकलिस्ट होना चाहिए। इससे आपको कोल की क्वालिटी का अंदाजा जो है वो पता चलेगा, आपको रिपोर्ट पता चलेगा कि आपका कोयला जो है खराब आ रहा या अच्छा आ रहा। ओके, तो उसमें अगर गुड क्वालिटी में देखेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, तो आपका कोई भी आपका नो ओवरसाइज होना चाहिए। जैसे बॉयलर का जो डिजाइन होता है वो एक निश्चित आपके कोल पे होता है, ठीक है, उसका साइज सभी डिजाइन रहते हैं, तो अगर वो ओवरसाइज रहेगा तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि क्लिंकर फोड़ने का खतरा रहता है, तो वो ओवरसाइज नहीं होना चाहिए। लो एस और मिनरल्स होना चाहिए, उसमें एस की क्वांटिटी होगा वो जितना मिनिमम होगा अच्छा है। आपका मिनरल्स जो होगा जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब अगर कम रहेंगे तो आपका क्लिंकर का फॉर्मेशन भी कम होगा। लेस मॉइस्चर, मॉइस्चर कम होना चाहिए, और एस का जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो भी हाई होना चाहिए। अगर हाई होगा तो क्या होगा कि अगर हाईर टेम्परेचर पर आपको लिमिट मिलेगा, तो अगर किसी कारण से थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ भी गया तो वहाँ पर क्लिंकर बनने का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि मेंटेन प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो, तो ये भी एक मेन रीजन था। तो अगर मान लीजिए कभी ओवर फीडिंग हो जाए या किसी कारण से एयर कम हो जाए तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि ये क्लिंकर बनने का खतरा था, इसलिए बड़ी सावधानी से आपको एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करना है, प्रॉपरली मेंटेन करना। ओके, नेक्स्ट जो है डू प्रॉपर कंबशन और मेंटेन ट्रिपल टी,
ओके तो आपका जो फ्यूल का कंबशन हो रहा है, एयर मिक्स हो रहे, बेड मटेरियल मिक्स हो रहा, तो वहाँ पर जो आप फ्यूल का कंबशन करवा रहे हो, ठीक है, फ्यूल जो जल रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से जलाना है, ठीक है, कंबशन प्रॉपरली हो, साथ में आपका जो ट्रिपल टी होता है यानी कि टाइम टेम्परेचर और टर्बुलेंस उसको आपको मेंटेन करना है ताकि आपका कंबशन जो होगा वो प्रॉपरली होगा और क्लिंकर का खतरा जो होगा वो मिनिमम होगा या ना के बराबर होगा। नेक्स्ट इंक्रीज बॉयलर लोड ग्रेजुअली, तो मान लीजिए कि अगर आपके बॉयलर के लोड को इंक्रीज करना है, लोड का डिमांड आ गया, ओके, तो अब क्या करना है कि लोड जो भी आपको इंक्रीज करना है वो ग्रेजुअली करना है। ऐसा नहीं है कि लोड का अचानक डिमांड आया तो जल्दी जल्दी कोला फिटिंग कर दिए, एयर उस रेशियो में कम हो गया, तो इस केस में ओवर फिटिंग होने का खतरा रहता है जिससे क्लिंकर बनने का खतरा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, जैसे जैसे कोयला इंक्रीज करोगे उसी तरह से आपको एयर भी बढ़ाना है, यानी कि एयर फ्यूल रेशियो को आपको देखते हुए उसको मेंटेन करते हुए आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको बॉयलर लोड इंक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि चेक नोजल एंड प्रॉपर फ्लूडाइजेशन बिफोर बॉयलर स्टार्टअप। तो जब कभी अगर बॉयलर स्टार्टअप किया जाता है तो उससे पहले नोजल चेक किया जाता है कि नोजल जो है वो पूरी तरह से ओके है कि नहीं, उसमें कोई चोकिंग तो नहीं है, जाम तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए डीपी टेस्ट किया जाता है। तो डीपी टेस्ट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, ठीक है। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका नोजल कोई चोक तो नहीं है ना, ठीक है, सभी क्लियर है कि नहीं, ओके। और फिर अगर नोजल चेक हो जाता है तो जो बेड टाइप के बॉयलर होते हैं वहां पर बेड मटेरियल का फ्लूडाइजेशन चेक किया जाता है कि आपका जो बेड है, जो बेड मटेरियल है वो चारों तरफ आपका नॉर्मली फ्लूडाइज हो रहा है कि नहीं, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि नोजल चोके और वहां पे फ्लूडाइज नहीं हो रहा, तो वो आगे जाके दिक्कत करेगा, इसलिए उसे पहले ही बिफोर आपका स्टार्टअप बॉयलर आपको फ्लूडाइजेशन और अपने नोजल को चेक कर लेना है। नेक्स्ट, फ्यूल फीडिंग डन एट इट्स इग्निशन पॉइंट ड्यूरिंग बॉयलर स्टार्टअप। तो जब कभी अगर बॉयलर स्टार्टअप किया जाता है तो यहीं पर बहुत सावधानी देने वाली चीजें हैं, क्योंकि यहीं पर क्लिंकर बनने का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ओके। तो जब कभी अगर बॉयलर स्टार्टअप किया जाता है तो वहां पर जो कोयला का यानी जो आप फ्यूल फीडिंग करते हो तो उसके इग्निशन पॉइंट पर करना चाहिए। जैसे अगर कोल फायर्ड बॉयलर जो है तो वहां पर आप जो कोयला का फीडिंग करोगे स्टार्टिंग के टाइम, तो उसका इग्निशन पॉइंट मान लो कि जैसे अप्रोक्स 400 डिग्री के आसपास होता है, तो 400 डिग्री के आसपास ही करना चाहिए, वरना क्लिंकर बनने का वहां पर खतरा रहता है, ठीक है। तो अगर उसके इग्निशन पॉइंट के आसपास करोगे तो वहां पर क्लिंकर जो है वो बनने का खतरा नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो है कि यूज गुड क्वालिटी ऑफ बेड मटेरियल। आपका जो बेड मटेरियल यूज किया जाता है तो वो भी गुड क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें ओवरसाइज नहीं होना चाहिए, फाइंस नहीं होना चाहिए, लेस आयरन होना चाहिए, हाई फ्यूजन उसका टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वहां पे क्लिंकर बनने का खतरा कम हो। नेक्स्ट, चेक बेड टेम्परेचर थर्मोकपल इफ इट नॉट वर्किंग। अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्मोकपल जो बेड टेम्परेचर चेक करने के लिए लगा गया है तो अगर कोई वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसे चेक करवाना है, उसे सही करवाना है, वरना क्या होगा वहां पर ओवर फीडिंग होने का खतरा रहेगा। तो इसलिए अगर आप चेक करवा लोगे तो आपको टेम्परेचर जो है वो सही बताएगा, जिसको देखते हुए आप जो है कोयले को या फ्यूल को फिट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, टेक मोर एक्सपीरियंस एंड ऑपरेट बॉयलर केयरफुली। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले ही आपको बॉयलर चलाना बहुत ही अच्छा से आता हो लेकिन आप जिस पर्टिकुलर बॉयलर को अगर चलाते हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए। जितना ज़्यादा अगर आपका एक्सपीरियंस होगा बॉयलर ऑपरेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको बॉयलर चलाने बहुत अच्छे से आता है, आपने जॉब स्विच किया और वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर मिला, ठीक है, मान लो आपको जैसे आपने पहले पीएफ चलाते हो, ठीक है, लेकिन अब दूसरे जगह गए तो वहाँ सीएबीसी या एबीसी मिल गया, तो वहाँ पर देखिए बॉयलर का पर्पज जो होता है, जो प्रिंसिपल होता है सेम है, सबका काम एक ही है, स्टीम जनरेट करना, लेकिन जो फायरिंग सिस्टम होता है ना वही अलग होता है और उसी को समझना है वहाँ पर। तो अगर वो समझ के अगर काम किया जाए तो आपका जो क्लिंकर बनने का जो खतरा है वो और काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जैसे अगर आप कहीं नई जगह गए, आपको नया टाइप का बॉयलर मिला, तो वहाँ पर जो सीनियर्स है, वहाँ पर जो पहले से जो बॉयलर ऑपरेट करते हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेशन बना के काम करना चाहिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर एक्सपीरियंस ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी ले लो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग पहले से काम कर रहे होंगे वो उस बॉयलर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ओके, वो उस बॉयलर के बिहेवियर को काफ़ी अच्छे से समझते होंगे, तो इसलिए उनसे आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहिए ताकि आपको आगे चल के जो है वो दिक्कत ना आए, भले ही आपको बॉयलर चलाने बहुत अच्छा से आता हो। तो इसलिए जिस बॉयलर को आपको चलाना है उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, साथ में आपका जो बॉयलर आपको जो ऑपरेट करने वाले हैं वो केयरफुली करना चाहिए ताकि आपका क्लिंकर बनने का खतरा जो है वो कम से कम हो, ओके। तो इन बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो क्लिंकर बनने का खतरा जो है वो कम से कम होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।